प्यारे साथियों जय हिंद नमस्कार। साथियों जिन नौजवानों ने सीआरपीएफ के फॉर्म भरे थे और उनका अभी एग्ज़ाम का डेट आ गया है लेकिन एडमिट कार्ड इशू नहीं हुए हैं अभी तक, एडमिट कार्ड 3-4 दिन पहले ही उनके जीमेल पे आ जाने थे लेकिन आप लोगों के जीमेल पे एडमिट कार्ड नहीं आए, तो परेशान होने की आवश्यकता ही है क्योंकि काफ़ी नौजवानों के कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि साहब एडमिट कार्ड नहीं आए, आने थे, अब हम क्या करें। तो दोस्तों परेशान नहीं होना, आप लोगों के ये जो एडमिट कार्ड हैं ये किन्हीं कारणों से सीआरपीएफ ने अपने वेबसाइट पे एक नोटिस डाला है और उस नोटिस के अंदर सीआरपीएफ ने क्लियर बताया है कि किन्हीं कारणों से हम ये एडमिट कार्ड इशू नहीं कर पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशू हो गए हैं जिस कारण सभी की जीमेल पे हम एडमिट कार्ड इशू नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप अपना एडमिट कार्ड डायरेक्ट डाउनलोड करना है सीआरपीएफ की वेबसाइट से। अब वो डाउनलोड कैसे करना है उसका प्रोसीजर मैं बता देता हूँ, पूरा प्रोसीजर कैसे आप लोगों ने डाउनलोड करना है, कैसे क्या है। और सीआरपीएफ ने एक मोबाइल नंबर भी इशू किया है, वो मोबाइल नंबर हेल्पलाइन है 011-261-6025, 011-261-6025। आप इस नंबर से भी संपर्क कर सकते हो, कोई परेशानी होती है नहीं तो अभी डाउनलोड करना है। इसका तरीका देखिए हम बताते हैं आपको, सबसे पहले खोलना है सीआरपीएफ का वेबसाइट, यह है सीआरपीएफ की वेबसाइट, इसके ऊपर आपने दबाइए आ गई सीआरपीएफ की वेबसाइट खुल गई है। देखिए सीआरपीएफ के भर्ती पोर्टल के लिए यहाँ क्लिक करिए, ये जो हरी लाइन है इस पर हमने क्लिक किया, अब ये क्लिक कर दिया तो इसके ऊपर आ गया है, ये सीआरपीएफ की वेबसाइट खुल गई है और इसके अंदर कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेड्समैन के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें तो इसके ऊपर दिया है ये देखिए, अब ये कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के शेड्यूल की सूचना इसके अंदर, अब ये पीडीएफ खुल गया, इसके अंदर पीडीएफ के लिए ये अभी डाउनलोड हो गया पीडीएफ। ये नोटिस आया हुआ है सीआरपीएफ का नोटिस है, इस पर देखो दिया गया है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हेल्पलाइन, ये हेल्पलाइन दिया ऊपर और साइड में है वेबसाइट, और इस नोटिस के अंदर दिया गया है ड्यू टू टेक्निकल इशू एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन पायनियर एंड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कुड नॉट बी इशूड एज पर शेड्यूल। सीआरपीएफ का कहना है कि जो शेड्यूल के मुताबिक हम एडमिट कार्ड इशू नहीं कर पाए आप लोगों को, तो उसके लिए आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ये डेट भी दिया गया है। अगर आपका एग्ज़ाम 1 से 3 जुलाई तक है तो आपका एडमिट कार्ड 25/6/2023 यानी कि 25 जून को सुबह 10 बजे अप टू डू एग्ज़ाम डेट, यानी कि आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो सीआरपीएफ की वेबसाइट से। और आपका एग्ज़ाम अगर 4 या 5 जुलाई को है तो 27 जून को आप इसको सुबह 10 बजे डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपका एग्ज़ाम है 6 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को या 12 जुलाई को, तो 29 जून को सुबह 10 बजे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। द कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड अकॉर्डिंग, देखिए इसने दिया है सीआरपीएफ ने कि आप अपने एडमिट कार्ड डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए DIG एनके सिंह रिक्रूटमेंट हैं, DIG साहब, उन्होंने 23 तारीख को ये नोटिस दिया है। तो दोस्तों परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे डायरेक्ट, आप सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को हमने स्क्रीन पे भी दिखा दिया है और बता भी दिया है किस तरह से आपने अपना डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड। आप लोगों के जीमेल पे एडमिट कार्ड आने की संभावना कम ही है लेकिन परेशानी होना, हमने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया है, हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया है,
फिर भी आप लोगों को कोई परेशानी होती है तो आप हमारे को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हम पूरी पूरी आपकी हेल्प करने में सहायता करेंगे। तो दोस्तों मैं भगवान से दुआ करता हूँ आप लोगों का एडमिट कार्ड टाइम पे मिल जाएगा और आप इसमें बिल्कुल सफल होंगे। मैं आपका दोस्त सुबेदार नरेश कुमार, जय हिंद।